बुड़वानी से देर रात बाइक से कट मारने को लेकर हुए विवाद में शाहिद नामक व्यक्ति को मारा चाकू। पुलिस ने उदय नामक व्यक्ति सहित एक अन्य के खिलाफ किया मामला दर्ज। बुड़वानी शहर के पाला बाजार में देर रात हुए विवाद में शाहिद नामक व्यक्ति पर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है। थाना प्रभारी शंकर सिंह रघुवंशी ने बताया कि शाहिद ने थाना बड़वानी में शिकायत दर्ज करवाई कि वो रात में जब घर जा रहा था उसी दौरान उदय नामक युवक से बाइक से कट मारने को लेकर पाला बाजार में विवाद हुआ था, जिसमें शाहिद पर चाकू से हमला हो गया है और चाकू की चोट से शाहिद घायल हो गया। शाहिद की शिकायत पर पुलिस ने नामजद उदय सहित एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। क्या नाम आपका? शाहिद खान। ये आपको चाकू लगा, कैसा लगा? कारण जैसे हम दशहरा मैदान आ रहे थे तो फ्रेंड मेरे साथ में था तो उनकी कुछ गाली गलौज हुई और एकदम मारपीट चालू हो गई तो उसको छुड़ाने में मेरे को भी लग गया। कौन थे वो, आप पहचानते हो? नहीं, मैंने वही फ्रेंड जानता था, मैं नहीं जानता था कौन, चेहरे से जानते हैं। क्या पहले कोई विवाद था क्या? नहीं नहीं, पहले तो कुछ नहीं था। क्या कितने लोग वो थे? 8-10 लोग कुछ ऐसे थे। चाकू भी लगा? हाँ, चाकू लगा है। यहाँ कहाँ से निकाला था चाकू? चाकू कुछ ऐसी बड़ी चीज़ थी उसमें से लगा हुआ था, छोटा पाइप में। हाँ, पाइप में से। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, भाई होना है उनके साथ बैठ के थाने पे। क्या विवाद किस बात को लेकर हुआ था? मेरे को कुछ भी नहीं पता, गाली गलौज हुई थी उनकी और मैं गया था छुड़ाने तो इसमें हुआ था भाई, मैं चाकू मार दिया उन्होंने। क्या नाम आपका? शाहिद खान। ये आपको चाकू लगा कैसा हुआ है? ये मैं कारण जैसे पाला बाजार जा रहा था, पाला बाजार में खड़ा हुआ था तो ये मेरे को कट मार के गया वहाँ पे, तो वहाँ से हम आगे गए, फिर वहाँ गाली गुप्ता हुई इनकी, तो फिर वहाँ से दशहरा मैदान साइड जा रहे थे तो वहाँ पे दोस्तों आ रहे थे तो उसके लिए खड़े थे, तो ये इधर से आए और हम 8-10 जन खड़े थे, मतलब पहले 3-4 जन ही थे फिर वो भी आए खड़े थे, उसमें वो डायरेक्ट आया और उसने उसकी गाड़ी में चाकू और वो रखे थे, कुछ और औजार थे उनके पास, वो उनसे हमको वार किया डायरेक्ट। कौन थे ये, आप पहचानते हैं? एक तो वो पोरिया, क्या नाम, उदीप था, उदीप सोलंकी, और एक का नाम दोस्तों थे उसके साथ 8-10 जन। क्या पहले कोई विवाद था आपका? नहीं। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, फिर वहाँ से हम निकले तो वो भी उधर भाग गए और हम भी इधर आ गए थे। तो विवाद किस बात को लेकर हुआ? ये मत कट मारी थी ना तो गाली गुप्ता हुई थी, उसके बाद हम वहाँ गए तो हमको मतलब वहाँ बातचीत सब हो गई थी, समझौते हो गए थे, फिर वहाँ से आगे गए तो वहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट आया और मारा कुटी चालू कर दी। थाना पे रिपोर्ट करी आपने? हाँ। कल की घटना है कि फरियादी साहिद ने आके रिपोर्ट की थी कि वो पाला बाजार से जा रहा था, रास्ते में मोटरसाइकिल से उदय सोलंकी की मोटरसाइकिल में आपस में कट मारने की बात पर से इनका विवाद हुआ था, जो दशहरा मैदान में इनमें आपस में झगड़ा हुआ, झगड़े में इसको साहिद को बताया कि चाकू से मेरे को चोट लगी है, जिस वजह से अपराध उदय के खिलाफ और एक अन्य के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया, विवेचना में जारी है। सर, कौन कौन सी धारा मारपीट के मामला कायम किया गया? खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।